प्रेम को दिया था, अभी उसी प्रेम को देने के लिए जगत में कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में राधा रानी की भाव और अंग कांति लेकर के यहाँ पर आए हैं। ये दुर्लभ प्रेम को देने के लिए आए। इसलिए जो प्रेम के लिए ब्रह्मा शंकर ये उद्धव नारद भी जिस प्रेम के लिए लालायित है, हैं? इसलिए ये उद्धव जी कहते ना, ये इतने बड़े भगवान के प्यारे हैं, इतने कृष्ण के प्रिय हैं, जिसके लिए भगवान कहते उद्धव तू मेरे जितने प्रिय हो मेरे बेटा भी इतना प्यारा नहीं। बोले बेटा का ना बात छोड़ दो, मेरे कहते हरिहर एकात्मा शंकर भी इतने मेरे प्यारे नहीं। बोले शंकर की बात छोड़ दो, कहते मेरी जो पत्नी है, जो पत्नी कहते वो भी इतना मेरी प्यारी नहीं। बोले पत्नी की बात छोड़ दो, जो दाऊ भैया श्री बलदेव प्रभु मेरे से अभिन्न है वो भी इतना प्यारा नहीं। बोले उनकी बात छोड़ दो, मैं भी इतना मेरा प्यारा नहीं, मेरे आत्मा तू जितने मेरे प्यारे हो। कृष्ण जिनके लिए इतने बड़ी बात कृष्ण कहा करते हैं, इतने बड़ी बात। लेकिन वही उद्धव कहते ना, पांच तरह का भक्त है, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमा पर और प्रेमा तुर। ये उद्धव जी भक्त के अंतिम छोर है उद्धव जी। लेकिन इतने बड़े जो भक्त हैं, लेकिन वो किस चीज की प्रार्थना करती है? बोले ब्रज गोपियों की चरण की धूल को ये कामना करते हैं, राधा जी की चरण की धूल को यहाँ पर कामना कर रहे। इससे हमें शिक्षा मिलता है, बोले इससे बड़ी चीज जगत में और कुछ हो ही नहीं सकते। महाप्रभु जो चीज को जगत में देने के लिए आए थे, इसलिए उद्धव जी के हृदय में वो भावना है। इसलिए यहाँ पर आने पर हमें ये पता चलता है, हमें केवल एक ही वस्तु को प्राप्त करनी चाहिए। कहते कैवल्य एकम प्रयोजनम, केवल एक है, वो क्या है? ब्रज भक्ति। बोले ब्रज भक्ति में कौन सा भक्ति है? कहते ब्रज वधु वर्गेण जा कल्पिता, ब्रज की गोपियों ने जो मार्गों को अपनाया है वही मार्ग ही हमारे जीवन का एकमात्र काम्य होनी चाहिए। कदि ये उद्धव कुंड में आने पर हमें ये चीज की हमें पता चलता है। इसलिए अभी अभी श्रवण कर रहे थे, कृष्ण ये उद्धव जी को क्यों भेजे, कारण क्या है? इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसमें तीन चार कारण बताते हैं। पहला कारण बताते हैं, अगर ये प्रेम को, ब्रज भक्ति का प्रेम को अगर कोई देखे, देख करके अगर पंच मुंह से वर्णन ना करे, भैया उनकी जैसे प्रेम जगत में कुछ है ही नहीं। क्योंकि जैसे एरे गरे व्यक्ति अगर कोई बात को बोल दे ना, अरे बोले उसको बात की क्या महत्व है। लेकिन जगत का प्राइम मिनिस्टर अगर कोई बात बोले तो आदित्यनाथ जोगी कुछ बात बोले, भैया दम उसमें कुछ है, इसमें कुछ दम है। इसलिए कृष्ण सोच रहे ऐसे व्यक्ति को जा करके वो प्रेम को देखे और उन्हें पंच मुंह में वो प्रेम को खूब पंच मुंह में गान करे और जिसको सुन करके लोग को पता चले भैया इससे बड़ा चीज जगत में कुछ है नहीं। पहला ये कारण है। बोले उसमें दूसरा कारण क्या है? अभी आप श्रवण कर रहे थे, अभी कृष्ण अकेले हो गए और जो ब्रज गोपियां कहते, जैसे आप संसार में कोई बहुत ज्यादा तुम दुखी हो, बहुत ज्यादा संसार में दुखी, अगर दुखी अगर तुम्हारी भाव को कोई समझने वाले हो ना, अगर उसको आप बीच बीच में बोलते रहो, देखना हृदय हल्का हो जाता है। लेकिन अगर गुमसुम रह जाओ, दुख को अंदर में घुटना से होते रहे, घुटते रहे, आप देखना लोग पागल हो जाते हैं। इसलिए देखना मरने पर लोग जो कांदते हैं ना, अच्छी बात है कांदना, रोना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हें हृदय का जो दुख है वो उद्गार निकल जाता है। नहीं सर, अब देखना संसार में भी देखना, बहुत किसी विषय पर अंदर से घुटन सा हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, अगर सारे बात को तो हृदय की बात को खोल कर बोल देना, क्या होगा? हृदय तुम्हारी हल्का हो जाएगी। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं ब्रज में तो बहुत सारी गोपियां वो एक भाव की है, एक दूसरे के भाव को समझती हैं। इसलिए अपना हृदय की बात को जो बोल देते हैं ना, क्या होता है? हृदय उनकी हल्का हो जाती है। लेकिन ये मथुरा में मैं अकेला बढ़ गया, अकेला हो गया, अगर ये गोपियों की प्रेम की बात मैं किसको समझाने जाऊं, अरे उनकी प्रेम, बोले पागल, कहां कंडा बीनने वाली, कहां अपवित्र रहने वाली, कहां बनचरी व्यभिचारी जुष्टा, कहां जंगल में रहते हैं जिनका कोई आचरण आचरण ठीक नहीं, अरे उनके लिए रो रहा है, फिर पागल रो तो अच्छे कोई व्यक्ति के लिए रोना है। इसलिए अगर मैं किसी बोलू ना बात समझेंगे नहीं। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं ऐसे एक व्यक्ति को मथुरा में भेजा जाए, वहां पर जा करके
उन्होंने गोपियों का प्रेम को वृंदावन में भेजे, गोपियों का प्रेम को समझे और समझ करके यहाँ पर आए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं वहां पर एक यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल श्री राधा रानी और जो प्रोफेसर ये ब्रज की गोपियां हैं। अगर वहां पर प्रेम की एक पाठशाला है, अगर वो प्रेम की पाठशाला में कोई जाए, वहां पर एडमिशन हो जाए और वो प्रेम की पाठ को पढ़े, फिर पढ़ करके यहाँ पर आए ना, फिर तो मैं हृदय की बात बताऊंगा। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं भैया वो तो जैसे कोई हाई फाई कोई कॉलेज हो ना, भाई हाई फाई स्टूडेंट भी होनी चाहिए, ऐसे नंबर होने वाले, नहीं तो वो एडमिशन नहीं होगी। इसलिए कृष्ण सोचा वो कॉलेज में तो भेजू, लेकिन यहाँ पर कोई क्या ऐसे व्यक्ति है क्या जो जा करके वो एडमिशन हो सकता है। बहुत सोच सोच कर देखा एक व्यक्ति यहाँ पर है, ये उद्धव जी है, लेकिन वो पूरा क्वालिफिकेशन नहीं है, उसके अंदर पूरा क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी उसके अंदर में है। इसलिए उन्होंने उद्धव जी को उन्होंने भेजा और उद्धव जी को भेज करके उन्होंने बोलो प्रेमशाला में वो जाकर वो पाठ पढ़े। लेकिन कृष्ण जब उद्धव जी को भेजा है, कृष्ण को पता था ये उद्धव तो बड़े अभिमान करके आ रहे हैं, बोले ये ग्वालियरों को समझाना कोई बड़ी वाली बात, गांव में रहते हैं अपवित्र रहने वाले, मैं कौन हूँ, बोले शिष्य बृहस्पति साक्षात, मैं बृहस्पति का मैं शिष्य हूँ, ऐसे अरे गरे व्यक्ति थोड़ी हूँ, इनको तो चुटकी बजाते हुए इनको मैं समझा दूंगा, क्यों ये तो ग्वालियर, मैं तो इतना बड़ा पंडित हूँ। लेकिन कृष्ण को पता था उद्धव तो अभिमान करके जा रहे हैं, लेकिन वहां पर प्रेम कोई था नहीं पाएंगे। उदाहरण देते हैं जैसे बहुत गहरा पानी, जैसे उद्धव कुंड में बहुत मानो गहरा पानी, अभी किसको तैरना नहीं आता है, अगर कूद जाओगे तो क्या होगा, बोलो कूद जाओगे तो क्या होगा, बस राम नाम सत्य है। इसलिए कृष्ण देखा ब्रज का जो प्रेम है ना, बड़े बड़े भौरा वहां पर है और इतने गहरा पानी है ना, ये उद्धव जी बोल रहे हैं, उनको समझाना कोई बड़ी भारी बात नहीं, अगर वो जाकर कूदेगा ना वो डूब कर मर जाएगा, इसको तैरना नहीं आता है, ब्रज प्रेम में तैर नहीं सकता है, हैं? इसलिए कृष्ण को ये बात पता था, ये तो अभिमान करके जा रहा है, लेकिन वहां पर कोई था नहीं पाएगा, वहां कोई था नहीं पाएगा। इसलिए कृष्ण उद्धव जी को बोले देख उद्धव, तुम तो कोशिश करना समझाने के लिए, लेकिन जब किसी तरह से तुम समझा नहीं पाऊंगा ना, एक काम करना, उनको बोल देना तुम बैठ जाओ, आंख बंद कर दो, सब बैठ जाओ वहां पर, फिर मैं स्वयं जब तक नहीं आऊंगा उनको साथ में लीला विलास नहीं करूंगा, उनका विरह दूर होने वाले नहीं, तुमसे होने वाले नहीं। इसलिए उद्धव जब आए और उन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन जो जो बात बताने के लिए कोशिश कर रहा था ना, वो उल्टा पड़ रहा था, सबके सब उल्टा पड़ रहा था, उसको वो समझा नहीं पा रहा था। हैं, गोपियों ने ऐसे ऐसे प्रश्न की ना, वहां पर नंद बाबा ने ऐसे प्रश्न की, गोपियों ने ऐसे प्रश्न की, जहां पर उसके बोली बंद हो गई, बोलती बंद हो गई। जब उन्होंने राधा रानी का प्रेम को देखा, कैसे राधा रानी मानी नहीं होकर बोली ये कपट है, हैं मधुपकित बंधु, खबरदार मेरे प्यार कृष्ण स्वयं भौरा बन करके आए, राधा रानी गाली दे रहे, तू अपवित्र हो, मेरे चरणों का स्पर्श मत किया, अगर लगता है तू शराब पी करके तू आए हो, तेरे को अच्छा बुरा ज्ञान नहीं, कैसे कहां जानी चाहिए, ऐसे ऐसे कृष्ण को उलाहना दे रही थी, ऐसे ऐसे कृष्ण को बोले जितने काले सब दूर थे, वो सत्य युग में भी एक काले आए थे, कौन, बोले बामन देव, बोले देखे मैं बहुना हूँ इसलिए मेरे को तीन पग जमीनी चाहिए, केवल भजन करने के लिए ब्राह्मण को संतोषी रहनी चाहिए, अरे तू तीन पग जमीन लेगा जितना बड़ा था उतने में लो, ऐसे एक पग बढ़ाया पूरा पृथ्वी की संपूर्ण भूर हुआ सत्य लोग को नाप लिया, और एक चरण बढ़ाया अतल बितल तलातल पाताल, फिर क्या किया, कहते जैसे कौवा होते है ना, कौवा क्या क्या स्वभाव है, खुद तो खाएंगे और का 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 करके सबको बुला लेंगे, खुद खा लेगा और ठोकर मारेंगे, क्यों कौवा काले है ना, बोले ये भी काले है, ये भी काले कौवे भी काले है, इसका सब गुण उसके अंदर में। इसलिए उन्होंने भैया तुमने नाप लिया ठीक है, फिर उनको वरुण पास में बांध दिया, बांध दो इसको, हैं कौवा जैसे व्यवहार है, राम भी आए तृतीया युग में, वो भी कम नहीं, वो भी काले ही बन करके आए थे, उन्होंने सुपर्णखा ने शादी करने के लिए आई, इतने बड़ी सुंदर, बोले सुपर्णखा कोई दोस्त थी, बोले कोई दोस्त नहीं थी, बोले क्यों, अगर तू इतना सुंदर नहीं होता सुपर्णखा क्यों तेरे को शादी करना आता, तू इतने सुंदर बनाए क्यों, है इसलिए कहते ना नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती करोड़ों ने की, इसलिए तू इतने सुंदर क्यों बनो, सुंदर नहीं होता तो सुपर्णखा आती नहीं, स्त्रियों का तो स्वभाव है ही है,
किसी सुंदर पुरुष को देखे आकर्षण होना, ये तो स्वभाव ही है। उसका अंदर में थोड़ी कोई बुरी कोई गलती नहीं थी। तू इतना सुंदर बना तो इतना सुंदर क्यों बना? फिर जंगल में कैसे गया? गया तो गया, अच्छी बात है। जखनी जो उल्टा पुलटा वेष धारण करते हुए क्या जटाजुट बलकल और कौन सा वस्त्र, गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे। फिर हाथ में धनुष बाण, ये कोई है धनुष बाण कौन धारण करता है जो मारपीट करते हैं? बनाया साधु का वेष तुमने, लेकिन धनुष बाण इतना नहीं, फिर तू बनाया साधु का वेष, स्त्री को साथ में लेकर गया। तू संत का रूप धारण किया है, संत लोगों का साथ में थोड़ी स्त्रियां होती है। फिर इतने सुंदर स्त्री को तुमने साथ, जितने उल्टा पुल्टा जितने काले है ना सब धूर्त है, सबके धूर्त है। अभी वही वही जो जितने काले, अभी कृष्ण भी काले हैं। ऐसे कृष्ण को उलाहना दे रही थी, ऐसे उल्टा पुल्टा उद्धव तो सुन सुन करके कहते ना उद्धव शुद्ध है गयो, सुनी गोपियों की बोल और ज्ञान बजाए डुगडुगी बाजे प्रेम की ढोल। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते हैं, अगर सर पे कोई टोपी हो, अगर कोई बहुत ऊंचा कोई पहाड़ हो, अब क्या करते हैं इसे देखते 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 गिर जाएंगे, टोपी भी गिर जाती है। गुरुदेव कहते उसी तरह उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उद्धव यहाँ पर सिद्धा हो गए पूरा के पूरा। गोपियों के प्रेम की बोली सुन करके ना, प्रश्न उत्तर सुन करके सब सिद्धा हो गए। इसलिए कृष्ण उद्धव जी यहाँ पर भेजे थे जगत में, इनकी गोपियों की प्रेम ये सर्वश्रेष्ठ है, इनकी ऊपर कोई प्रेम नहीं है। अगर जीव अगर इसकी एक बूंद का अगर प्राप्त कर ले तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। जिसके लिए कृष्ण स्वयं कहते हैं, न पारे अहम निरबद्ध संजुजाम सुसाधु कृत विबुधाइव साविव। कृष्ण स्वयं ऋणी मानते, बोले गोपियां तुम लोगों ने मेरे लिए जो त्याग दी ना, अगर ब्रह्मा जैसे परमायु लेने पर भी मैं तुम्हारी ऋणी से कभी उऋणी नहीं बन सकता हूँ। इसलिए यहाँ आने पर यह चीज को हमारे हृदय में आती है, भैया उद्धव जिस चीज के लिए उन्होंने प्रार्थना की और पंचमुख में पांच श्लोक में जो उन्होंने ब्रज गोपियों की महिमा को गाए हैं, इससे सर्वश्रेष्ठ जगत में और कोई चीज है नहीं, ये चीज हमें पता चलता है। इसलिए हम लोग उद्धव कुंड पर आए हैं। इसलिए उद्धव जी के हृदय में जैसे लालसा हुई है, लालसा हुई, एक दिन हम राधा रानी की चरण की एक धूल बन पाए, अगर हमारे हृदय में भी वही भावना जागे, क्योंकि हम महाप्रभु को धारा में आए हैं और महाप्रभु जगत में यही चीज को देने के लिए ही महाप्रभु जगत में आए थे, इसलिए हम इसी भावना को लेकर के यहाँ से जाएंगे। हैं केवल एक ही वस्तु चाहिए हमें, स्वभक्ति श्रीयम, राधा रानी की भाव की है। राधा रानी के तब प्राप्त नहीं कर सकते, उसका जो छिटा पोटा है, जो मंजरी भाव है, यही हृदय में हमारी एक दिन प्रकट हो। बोले श्री उद्धव जी की, सफर कर गौर हरि की, निताई गौर ब्रह्मानंद। इसलिए उद्धव जी जब ये भाव को समझे ना, उनने सोचे ये चीज मिलेगी कैसे, बोले जब तक ये गिरिराज की कृपा नहीं हो तब तक नहीं मिल सकते। इसलिए उद्धव जी ये गिरिराज की तलहटी में, क्योंकि हरिदास वर्ज्य है, हरिदासी है, इसलिए उद्धव जी यहीं पर उन्होंने आकर के यहीं पर घास भूसा बन करके, गुरु जी कहते जितने घास है ना, हर कल्प में एक एक बार उद्धव जी आते हैं, हृदय में भावना आती है और यहाँ पर घास बन करके उद्धव जी तपस्या कर रहे हैं। निताई गौर ब्रह्मानंदे हरी हरी बोल की।